हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। एंड यहाँ पे पास में घंटी सिंबल को दबा के रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, जो एक अच्छे अच्छे बनाया हूँ यहाँ पे, तो ज़रूर आप लोग का ये काम भी आएगा। तो अभी जैसे मैंने आप लोग को थंबनेल में यहाँ पे बताया हूँ, एंड्रॉइड ऐप का हम लोग एक रेटिंग बटन बनाते हैं या शेयरिंग बटन बनाते हैं, वहाँ से जो भी पैकेज नेम डालते हैं हम लोग स्क्रीन वन में, वो पैकेज नेम को ऑटोमेटिक पिक करते हैं, जिसका जरिए में हम लोग क्या है रेटिंग वाला सिस्टम को बार बार चेंज करना नहीं पड़े। तो मैं पिछला वीडियो में मतलब बताया था पुराना चैनल में, यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप का बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्क्रीन वन है तो यहाँ पे पैकेज नेम डाल देते हैं। तो आप लोग नॉर्मली पैकेज नेम क्या डालते हैं, जैसे आप लोग एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फेसबुक का मैंने अभी जस्ट टेस्ट कर रहा था, व्हाट्सअप देख रहा था कि व्हाट्सअप का जैसे हम लोग पैकेज नेम होता है कॉम डॉट व्हाट्सअप, फेसबुक का पता नहीं कॉम डॉट फेसबुक एंड डॉट कटाना, कटाना कौन है पता नहीं, जो भी मैं आज पता चला कि भाई फेसबुक डॉट का मुझे लग रहा था ऐसे ही, तो मैं अभी पता चला कि कटाना बोल के कुछ आईडी लिया हुआ है। बाय द वे, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसी को रेटिंग करने के लिए, आपको डेमो के लिए आपको बताता हूँ। सपोज आपने कभी भी अगर पैकेज नेम डालते हैं इस तरह डालिएगा कॉम डॉट, आप अपना ऐप का नाम, अपना नाम कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं अपना मर्जी में। मैं एग्जाम्पल के दर में आपको वही ऐप ओपन होने के लिए ऐसा हो, मैं इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पैकेज नेम में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप नॉर्मली इस तरह पेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग उसी को लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी तक कब बताता हूँ कि शेयरिंग करना है, बताया मैंने थंबनेल में। तो शेयरिंग में गया, शेयरिंग ले लिया, एंड यहाँ पे आप लोग और एक लेना है, यूटिलिटीज में जाइए एंड यहाँ पे पैकेज बोल के एक नया सिस्टम है, इसको ले लीजिए। तो अभी आप लोग यहाँ पे कुछ और करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए बॉटम वन में आप लोग करना चाहते हैं, यहाँ पे नाम दे देता हूँ रेटिंग बॉटम, एंड यहाँ पे नाम दे देता हूँ शेयरिंग बॉटम, इसको भी मैं टेक्स्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, रेटिंग बटन शेयरिंग बटन, आप लोग पता नहीं है कि भाई आप लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह आइकन दे दे, तो ये भी ट्यूटोरियल बना हुआ है किसी और वीडियो में, नहीं इसी वीडियो में बनाया था, जहाँ पे हम लोग स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हैं, ये वीडियो का भी आप लोग सर्च कर सकते हो टाइटल के साथ में, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे बताया हूँ आइकन को कैसे लेकर हम लोग बना सकते हैं जो भी आप लोग इसमें से डिजाइन चाहिए। ठीक है, कलर वलर भी चेंज हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग ब्लॉग्स में जाते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए रेटिंग वाला सिस्टम करते हैं, तो रेटिंग बटन क्लिक करना से हमारा, अभी मैंने और एक लेना भूल गया, तो आप लोग यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नीचे साइड में कनेक्टिविटी है एंड यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्टर ले लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग टाइप कर दीजिए कुछ इस तरह एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट व्यू कैपिटल में। ठीक है, तो आप ये एक्शन में डाल के पेस्ट कर दीजिए, बाकी कुछ ना करो। ठीक है, अभी मैं वापस चलता हूँ ब्लॉक्स में। तो अभी जैसे ही बटन क्लिक करते हैं, तो अभी जो हमारा एंड्रॉयड ऐप रेटिंग वाला जो मैंने जो भी एक्टिविटीज लिया, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, वही आपका प्ले स्टोर ओपन कर देगा या कोई भी वेबसाइट भी ओपन कर सकता है। तो इसका पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, एक डाटा URI है, तो ये डाटा URI हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, उससे भी और अलग तरीका है जहाँ पे प्ले स्टोर ही डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये सबसे बेस्ट होता है। तो मैं इसका बदले में क्या लिखूँगा अभी पैकेज नेम, तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ यहाँ पे जॉइनिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे ले लेता हूँ एक ब्लैंक। तो अभी क्या करूँगा, अभी हमारा ऐसे पैकेज नेम से पहले ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये वाला जो लिंक है इतना सा आपको कंटिन्यू रहता है, एंड इक्वल टू के बाद में आपको सारा चीज़ चेंज होता है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू के बाद में ही पैकेज का नेम चेंज होता है, उसका पहले का चीज़ जो है वो परफेक्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इस तरह लिख दिया हूँ, ओके कॉपी कर लिया था, एंड उसका बाद में जो पैकेज नेम है उसको यहाँ पे टाइप करना है। नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं पैकेज का नाम जो भी रखेंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है अगर हमारा पैकेज का नाम ही कुछ अलग बार बार चेंज कर दिया, कुछ अलग प्रोजेक्ट बना लिया, फिर वहाँ पे चेंज करने भूल जाते हैं। तो इसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ आपको ये काम आएगा। तो अभी यहाँ पे पैकेज बोल के जो एक कंपोनेंट लिया था इसमें क्लिक करिए, आप सिंपल सा यहाँ पे है पैकेज डॉट पैकेज नेम, तो आप इसको लाकर इस तरह छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये काम होना शुरू हो चुका है। ये सिंपल तरीका है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सेम चीज़ अगर शेयरिंग में करना चाहते हैं तो शेयरिंग विथ मैसेज कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे शेयरिंग बटन में कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा, एंड सेम चीज़ आप इसको लाकर इस तरह छोड़ सकते हैं। एंड उसका पहले अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं, एंड इसके लिए मैं एक ले लेता हूँ जॉइनिंग, मैं दो जॉइनिंग लेता हूँ, आपको थोड़ा सा और भी अगर एडवांस सीखने को मिल जाएगा तो मैं किस लिए कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा सीख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमने इस तरह लिखा कि दिस ऐप इज डाउनलोड फ्रॉम दिस ऐप, जो भी आप लोग इस तरह लिखेंगे, एंड उसका बाद में स्पेस दे दिया, एंड यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और इसका मजा ले सकते हैं। एक यहाँ पे दीजिए
बैक स्लैश एंड टाइप करिए स्मॉल में एन, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्या एक लाइन ब्रेक कर देता है। चलिए मैं इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। हम अगर यहाँ पे कॉपी करके 2 से 3 पेस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कितना लाइन ब्रेक हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे शेयरिंग बटन है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो आप देखिए शेयरिंग यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऐप में जाता है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया एंड नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक हो चुका है। मैं अगर इसको सेंड करता हूँ आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे देखिए 3 लाइन यहाँ पे गैप हो चुका है, जो हमने उस टाइम में डाला था अपना कोडिंग में एनएन करके, ठीक है। एंड अभी वापस चलता हूँ बैक, तो आप लोग इसको भी नज़र आ जाएगा रेटिंग वाला। तो देखिए यहाँ पे रेटिंग बटन है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक, देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है फेसबुक, जबकि मैंने फेसबुक इंस्टॉल नहीं किया था, यहाँ पे ओपन दिखा रहा है। तो मतलब ये दिखाने का मतलब था कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग इस तरह इसको काम में ले सकते हैं। ये है ब्लॉक्स, आप इसको मज़ा उठा सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नए वीडियो साथ। टिल देन गाइस हैव अ ग्रेट डे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो तब तक के लिए बाय बाय।